hello students today we will do chapter 6 from your maths practice cum workbook we are doing multiplication in maths textbook and today we will do multiplication in maths workbook chapter 6 so what is number 1 exercise write the multiplication facts you have with the help of picture

so write 2 4 okay four groups are here so 2 into 4 equal to 8 understand कैसे kiya आपने four groups hai इसलिए multiply करेंगे four से हर ग्रुप में कितने पेंसिल्स हैं दो पेंसिल्स हैं इसलिए टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ओके टू फोर जा एट राइट द प्रोडक्ट ऑल्सो Now, look at here. Next up, dekho. how many groups are here? Three groups are here. And in each group, how many apples? Three apple. So, three multiply with three. And the answer will be three, three, ja? Nine. Okay. Look at here. How many groups in this picture? 5. four, five. Five groups are here. And इन ईच ग्रुप हाउ मैनी स्पेक्ट्स कितने स्पेक्ट्स हैं कितने चश्मे हैं वन टू थ्री फोर फाइव इन ईच ग्रुप फाइव स्पेक्ट्स आर हेयर सो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू मल्टीप्लाई फाइव विथ फाइव ओके फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव द आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव ओके दिस वे यू विल डू

ठीक है आप इससे स्टार्ट करोगे और किस कलर से कलर करना है आपको ब्लू कलर से एंड एवरी थर्ड बॉक्स ये आपने कलर किया देन वन टू थ्री आप इसको करोगे देन वन टू थ्री आप इसे कलर करोगे ब्लू कलर से ओके देन वन टू थ्री हर थर्ड बॉक्स को आप ब्लू कलर से कलर करोगे एंड टू फाइंड द टेबल ऑफ थ्री तो आप कैसे क्या फाइंड करोगे इस ग्रिड को थर्ड बॉक्स से अगर आप स्टार्ट करते हो और एवरी थर्ड बॉक्स को कलर करते हो देन यू विल फाइंड द टेबल ऑफ थ्री एंड लुक एट हियर इन ग्रिड टू व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टार्टिंग फ्रॉम फाइव फाइव से आपको स्टार्ट करना है ओके एंड कलर एवरी फिफ्थ बॉक्स रेड हर फिफ्थ बॉक्स को किस कलर से करना है रेड कलर से करना है ग्रीट टू में ओके okay? इन द ग्रीट टू टू फाइंड द टेबल ऑफ फाइव सो लुक एट हीय आप फाइव से स्टार्ट करोगे रेड कलर से कलर करोगे ना वन टू थ्री फोर फाइव फिर आप टेन को कलर करोगे रेड कलर से देन वन टू थ्री फोर फाइव फिर आप फिफ्टीन को कलर करोगे ऐसे रेड कलर से ओके दिस वे यू विल डू and you will find the table of 5 now what you have to do here you have to write the table jo bhi aap color kiye ho na just this box ko write all the numbers color to form the table of 3 and 5 theek hai sare जो बॉक्सेस जो, जो कलर हैं उनके नंबर्स को आप यहाँ लिखोगे to form the table of थ्री and फाइव okay Now, turn the page, page number 48. Exercise 3 Write repeated addition as multiplication. Repeated, as we know, multiplication is repeated addition. And here, addition is given. And what you have to do? You have to do multiplication. As you know, multiplication is repeated addition. So, addition here given, and you have to

Into 4. Okay. So, what is the answer? 5, 4, jar, 20. So, write 20 here. Now, look at here. Here, 3. 3. How many times we are adding 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times. Okay. So, do multiplication. 8 times 3. So, what is the answer? Product. एट जा ट्वेंटी फोर ठीक है आप इसी तरह करोगे सिक्स को देखो कितनी बार ऐड किया गया थ्री टाइम्स सो थ्री टाइम्स इंटू सिक्स थ्री टाइम्स सिक्स मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स इक्वल टू एटीन एंड हियर फाइव हियर फाइव एड

मल्टीप्लीकेशन को चेंज करना है रिपीटेड एडिशन में एंड उसके सम को आपको लिखना है दो वो तीन नंबर जो यहाँ पे आप नंबर आए लिखोगे इन तीनों नंबर्स को ऐड करके आपका आपको उनका आंसर भी लिखना है यू हैव टू राइट आंसर आल्सो ओके मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एंड यू हैव टू चेंज मल्टीप्लिकेशन इनटू रिपीटेड एडिशन नाउ थ्री टाइम्स थ्री व्हाट वी हैव टू डू हियर थ्री वी विल ऐड थ्री How many times? Three times. Okay. So, what is the answer? Three plus three, six. Six plus three, nine. Okay. Now, here, look at here. Four, six. So, four times six. We have to add six. How many times? Four times. So, six plus six plus six plus six. So, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन एंड एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर राइट ट्वेंटी फोर ईयर ओके दिस वे यू विल डू थ्री टाइम्स एट आप एट को थ्री टाइम्स एड करोगे एंड यहाँ आंसर लिखोगे ईयर नाइन टाइम्स टू तो आप टू को एड करोगे नाइन टाइम्स टू दैट मीन्स वी हैव टू एड टू हाउ मेनी टाइम्स नाइन टाइम्स टू प्लस 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 टू इक्वल टू एटीन ओके नालू कैटेगरी एक्सरसाइज फाइव कंपेयर बाई यूजिंग ग्रेटर देन ये ये मार्क क्या है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू आपको ये पता है ये तीनों साइन के बारे में आप जानते हो ग्रेटर देन मीन्स बड़ा लेस देन मीन्स छोटा एंड इक्वल टू मीन्स बराबर ओके ना लुक एट हियर फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स एंड हियर सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव देन हाउ वी विल कंपेयर कैसे कंपेयर करोगे अभी तक आपने नंबर्स को कंपेयर किया था बट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है एंड इस साइड भी मल्टीप्लीकेशन है तो आप दोनों को पहले सॉल्व करोगे दोनों का आंसर क्या होगा आप वो देखोगे तो सिक्स फाइव जा तो आप रफ वर्क में यहाँ पे कर सकते हो साइड में पेंसिल से ओके सिक्स फाइव जा थर्टी एंड फाइव सिक्स जा थर्टी अगर नंबर्स को हम एक्सचेंज करते हैं उनके पोजीशन को देन द आंसर विल बी द सेम वी नो ना तो आप यहाँ पे देखो यहाँ क्या है फाइव इंटू सिक्स एंड सिक्स इंटू फाइव दोनों में सेम नंबर है तो आंसर सेम होगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा इक्वल टू ना लुक एट हियर फोर मल्टीप्लाई बाई एट एंड ही रिपीटेड एट वी आर एडिंग एट थ्री टाइम्स ओके नॉट इसका इसका सेम नहीं है ये ठीक है एट को फोर टाइम्स एड नहीं किया गया एट को थ्री टाइम्स एड किया गया तो दोनों का आंसर डिफरेंट होगा बट फर्स्ट वी हैव टू फॉर कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द आंसर तो पहले हम इसका आंसर फाइंड करेंगे सो एट थ्री टाइम्स एड किया गया किया गया है डेट मीन्स एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो इसका आंसर ट्वेंटी फोर हो गया एंड फोर एट जा फोर एट जा थर्टी टू इसका आंसर हो गया थर्टी टू सो थर्टी टू ट्वेंटी फोर ओ कंपेयर करें तो विच इज़ ग्रेटर विच नंबर इज ग्रेटर थर्टी टू इज ग्रेटर सो वी विल पुट साइन ग्रेटर साइन ओके नालू कैटियर थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री that means we are adding 3 4 times so 4 times 3 equal to 12 Okay, and 4 plus 4 plus 4 that means four we are adding four uh, 3 times so 3 times 4 3 4 is 12 so both are equal dono equal है. so equal to sign up now look at here 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 how many times we are adding 2 वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स ओके सो फाइव टाइम्स टू फाइव टू जा टेन एंड हियर फाइव इंटू थ्री फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री सो फाइव थ्री जा फिफ्टीन सो हियर टेन एंड हियर द आंसर इज फिफ्टीन सो विच इज़ बिगर फिफ्टीन इज़ बिगर एंड टेन इज स्मॉलर सो टेन लेस देन टेन छोटा है फिफ्टीन से टेन लेस देन फिफ्टीन है ना नाउ एक्सरसाइज सिक्स मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ये मल्टीप्लीकेशन दिया है वर्टिकल मेथड में वर्टिकली लिखा हुआ है एक नंबर ऊपर है जो ट्वेंटी सेवन है तो ये टेंस प्लेस में टू है एंड वंस प्लेस में सेवन है ओके एंड आपको मल्टीप्लाई करना है फाइव से स्टडी यू हैव डन इन लास्ट क्लास आपने किया था मैथ्स टेक्स्ट बुक में फाइव सेवन जा पहले हम क्या करते हैं पहले वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन देन टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को फर्स्ट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को देन टू से मल्टीप्लाई करेंगे ओके सो फाइव सेवन जा फाइव सेवेन जा अगर आप फाइव का टेबल आपको लर्न होगा तो आप इजिली कर पाओगे ठीक है सो ऑलवेज लर्न द टेबल आपको जब भी वीकेंड में मिलता है टाइम तो आप सैटरडे संडे टेबल लर्न करो फाइव सेवन जटी फाइव सो राइट फाइव ईयर ओके तो थर्टी फाइव में हम फाइव को लिखेंगे और थ्री क्या हो जाएगा ये थ्री कैरी ओवर हो जाएगा टें प्लेस में ओके नाउ फाइव टू जा फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टू से फाइव टू जा टेन एंड ये जो कैरी ओवर थ्री है इसको ऐड करेंगे फाइव टू ज टेन प्लस थ्री थर्टीन सो द प्रोडक्ट सो द प्रोडक्ट इज़ वन हंड्रेड थर्टी फाइव ओके नालू कैटी फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई सिक्स वट यू हैव टू डू फर्स्ट स्टार्ट एट वंस प्लेस वंस प्लेस से स्टार्ट करोगे तो so, सिक्स को मल्टीप्लाई करोगे नाइन से देन मल्टीप्लाई सिक्स विथ फोर ओके तो सिक्स नाइन जा सिक्स नाइनजा फिफ्टी फोर सिक्स नाइनजा है फिफ्टी फोर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर लिखेंगे वी विल राइट द डिजिट विच इज एट वंस प्लेस जो वंस प्लेस में डिजिट है उसको लिखना है और जो टेंस प्लेस में डिजिट है फाइव उसे कैरी ओवर करेंगे ओके okay? Now, 6, are 24. 24 plus 5, 29. So, write here 29, and the answer, the product is 294. Okay. So, this way you will do C, D, E, F. Okay. I hope you understand. And you will do these.